नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे इस स्वरा ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने हमारी लास्ट क्लास यानी पिछली क्लास में क्या सीखा था। दोस्तों, हमने सीखा था दादरा ताल क्या होता है और दादरा ताल कैसे बजाया जाता है, और दादरा ताल के तीन प्रकार हमने सीखे थे। तो आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दादरा ताल के दो प्रकार और सिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं प्रकार नंबर चार, क्योंकि तीन प्रकार हम सीख चुके थे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रकार नंबर चार की तरफ। तो इसे तबले पे बजाने से पहले हम एक बार हाथ पे ताली देकर देखते हैं। धा ती धा धा तिट ता ती ता ता तिट धा ती धा धा तिट ता ती ता ता तिट। तो दोस्तों, इस तिट जो बोल है वो आपको नया सुनाई दे रहा होगा, तो वो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि कैसे बजाते हैं। दोस्तों, तिट हम दो तरीके से बजा सकते हैं और तिट को स्याही पर बजाया जाएगा। ये देखिए इस तरह से, एक तो ये इस उंगली से और इन दोनों उंगली से बजा सकते हैं तिट तिट, और दूसरा तरीका तिट तिट, ये तीनों उंगलियों से भी बजा सकते हैं ति और तिट। मतलब इसको जैसे ही बजाएंगे तो ये, जब ये इससे बजाएंगे तो ये उसी जगह बजना चाहिए। देखिए तिट तिट, मतलब क्रॉस में आना चाहिए तिट तिट, ऐसा नहीं होना चाहिए ति और तिट, ऐसा नहीं आएगा। ये स्याही के बीचों बीच आना चाहिए। देखिए ये क्रॉस में आना चाहिए, और ये भी तरीका सही है, इससे भी आप बजा सकते हैं। और इसमें जैसा कि आपने सुना धाती धा धा तिट ता ती ता ता तिट, तो इसमें ती आप यहाँ बजा सकते हैं ती, जैसा आप बजाते हैं तिन जो बजाते हैं वो ती और तिन एक ही होता है। इसको आप दो तरीके से बजा सकते हैं, यहाँ से भी बजा सकते हैं, ये केवल ती जैसे आपने बजाया ना ती तिट ती, तो ये ती ये बजा सकते हैं। एक बार देखते हैं हम कि तबले पर इसे कैसे बजाते हैं। धा ती धा धा ती ट धा ती ता धा ती ट धा ती धा धा ती ट धा ती ता धा ती ट धा ती धा धा ती ट धा ती ता धा ती ट। तो एक बार ती यहाँ पर बजा के देखते हैं कैसा बजता है। धा ती धा धा ती ट धा ती ता धा ती ट धा ती धा धा ती ट धा ती ता धा ती ट। इसको हम थोड़ा सा तेज करेंगे, दुगुन करेंगे एक तरह से, देखते हैं कैसे। एक गुन करने के बाद हम इसको दुगुन में बजाएंगे, देखिए कैसे। धा ती धा धा ती ट धा ती ता ता ती ट धा ती धा धा ती ट ता ती ता ता ती ट धा ती धा धा ती ट ता ती ता ता ती ट धा ती धा धा ती ट ता ती धा ती धा धा ती ट ता ती ता ता ती ट धा ती धा धा ती ट ता ती ता ता ती ट धा ती धा धा ती ट ता ती ता ता ती ट धा। और इसकी अब चौगुन करके देखते हैं एक बार। पहले एक गुन बजाऊंगा, फिर दो गुन, फिर चौगुन। धा ती धा धा ती ट ता ती ता ता ती ट धा ती धा धा ती ट ता ती ता ता ती ट धा ती धा धा ती ट ता ती ता ता ती ट धा ती धा धा ती ट ता ती ता ता ती ट धा ती धा धा ती ट ता ती ता ता ती ट। ये हो गई इसकी एक गुन, दुगुन और चौगुन। तो ये था प्रकार नंबर चार। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रकार नंबर पांच की ओर। तो दोस्तों, प्रकार नंबर पांच कुछ इस प्रकार है, उसको हम हाथ पे ताली देके देखते हैं। धाती धा धा तेरे किट ताती ता ता तेरे किट धाती धा धा तेरे किट ताती ता ता तेरे किट धाती धा धा
तेर किट ताती दाता तेर किट धाती दादा तेर किट ताती ताता तेर किट। तो अब इसमें आपको तेर किट जो बोल है वो नया लग रहा होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि तेर किट कैसे बजाते हैं। तो आपने जैसे तिट बजाया ना, तो इसका तेर वैसे ही बजेगा। देखिए तिट, पहले आपने तिट बजाया था, इसको हम बोलेंगे तिर। ती र की क जो बजाते हैं उसको हम की बोलेंगे। ती र की ट ती र की ट, इसको भी दो तरीके से बजाते हैं। जैसे ये तीनों उंगलियों को जोड़ के भी बजा सकते हैं ती र, और ये सिंपल एक अकेले इस उंगली से भी बजा सकते हैं ती र, ये भी क्रॉस में बजेगा ती र की ट ती र की ट ती। अगर आप इन तीनों को मिलाकर बजाएंगे तो थोड़ा सा वेट आएगा। और तो ये दो तरीके से बजाएंगे। तो अब देखते हैं तबले पर हमारा प्रकार नंबर पांच कैसे बजेगा। धाती धा धा तेरे किट 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 धाती धा धा तेरे किट। इसकी दुगुन करते हैं धाती धा धा तेरे किट धाती धा धा। इसकी एक बार एक गुन दुगुन और चौगुन करके देखते हैं। धा ती धा धा तेरे किट 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 धा ती धा धा। तो ये हो गई इसकी एक गुन दुगुन और चौगुन। तो ये थे हमारे दादरा ताल के पांच प्रकार।